सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी। तो आपको पता ही है इस चैनल पे हम जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो सारी नेशनल सेंटर ऑफ मेडिसिन यूएसए और जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं वहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेके आपको देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और ऐसे कौन से डेली नीड की आइटम हैं और फूड आइटम्स हैं जिनकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है फीमेल के अंदर डेवलप हो सकती हैं, या जिनको पहले से ही अंडेदानी के अंदर सिस्ट हैं, पानी की गांठें हैं, रसौली हैं, अगर वो जो आइटम ले रही हैं हर रोज़ नीड में, तो उनको ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होने वाली हैं। तो इन सभी खाने वाली चीज़ें में और डेली नीड की चीज़ों से जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसकी वजह से होती है, उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जैसे ही बढ़ जाएगा उससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो भी जाएगी। अगर किसी को पहले से सिस्ट बने हुए हैं अंडेदानी के अंदर या पानी की गांठें या रसौलियाँ हैं, तो एंड्रोजन बढ़ने की वजह से उसकी वो कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको किसी भी मेडिसिन से कोई आराम नहीं आएगा। फिर वो जो भी वो मेडिसिन लेंगे, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेदिक है, वो सिर्फ टेम्परेरी काम करेगी। एक बार अगर किसी को पीरियड नहीं आ रहे हैं तो उनसे एक बार फोर्सफुली मेंसुरेशन पीरियड आ जाएंगे, पर बीमारी है वो ऐसे की ऐसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके पीछे जो कारण है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हो सकते हैं। जब तक हम इन दोनों कारणों को नहीं हटाएंगे तब तक उसकी पीसीओडी जो सिस्ट है वो जाने वाले नहीं है, मेडिसिन चाहे कोई भी नहीं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं जो नेचर में नहीं थे, या हमने अपने खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए फूड को हाइब्रिड बना दिया, दो तीन प्रजातियों को मिक्स कर गया, उसको नेचुरल से दूर कर दिया। अब वो नेचुरल नहीं रहे जैसे पहले आए थे, जो हमारी बॉडी के लिए खाने के लिए बने थे और उनका कोई नुकसान भी कोई था, उनको हमने क्या कर दिया, उनको मॉडिफाइड कर दिया, हाइब्रिड कर दिया। अगर हम हाइब्रिड फूड खाते हैं तो उसकी वजह से पीसीओडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि सोयाबीन है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। अगर खाने वाले फूड प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड लगे हुए हैं, आपने पूरी तरह वो वॉश नहीं किए हुए हैं, क्योंकि हाइब्रिड फूड आइटम्स हैं, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी पीसीओडी की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में कॉर्न भी आ जाता है, जिसको हम मक्का बोलते हैं। आजकल यहाँ पे जितनी भी वैरायटी मक्का की बोई जाती है वो सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अगर हम मक्का ले रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उससे भी पीसीओडी की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होने वाली है। अगर किसी को नहीं है, हो सकता हो भी जाए। और ज़्यादातर वेजिटेबल हैं, जो सब्जियाँ हैं यहाँ पर, वो भी सारी हाइब्रिड वैरायटी मिल रही हैं। अगर आप बीज भी खरीदने कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादातर हाइब्रिड वेजिटेबल ही देखने को मिलती हैं। तो हाइब्रिड वेजिटेबल्स अगर हम लेंगे तो उसकी वजह से भी पीसीओडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं उनसे हमने दूर रहना है, वो नहीं खाने हैं, खास करके सोया, जो हमें श्योर है कि हाँ ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है, ज़्यादातर अवेलेबल कॉर्न हो गया, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है, तो इनसे हमें बचना है। उसके बाद आ जाता है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स वो केमिकल होते हैं जो पूरी तरह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस कर देते हैं, फीमेल के अंदर भी, मेल के अंदर भी। अगर किसी को सिस्ट हैं तो उनको एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है वो बंद रखने चाहिए। तो ये जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, कभी कभी हमारी डेली नीड की आइटम्स में ये पहले ही लगे होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये फूड में भी डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि किसी भी फूड को अगर हम प्रोसेस कर लें, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम किसी भी फूड को गर्म कर लें, बहुत ज़्यादा तेल में उसको उबाल लें, तो फूड जब प्रोसेस्ड हो जाएगा
उसके अंदर भी एंडोक्राइन डिसरप्टर्स केमिकल हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसके लिए प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं वो हमने बंद रखने हैं। तो लोशन है, जैसे सनस्क्रीन लोशन है, उसके अंदर भी क्या होता है, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं ऐड होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जो हार्मोनल सिस्टम को डैमेज कर देते हैं बिल्कुल। उसके बाद एंटी बैक्टीरियल जैसे सोप हैं, एंटी बैक्टीरियल सोप के भी अंदर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स प्रॉपर्टी हैं, वो भी नुकसान करती है हार्मोन को। और एक सबसे बड़ा एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है ट्रिक्लोसेन। ट्रिक्लोसेन जो टूथपेस्ट हैं उनमें यूज हो रहा है जी, ये भी एक तरह का पेस्टिसाइड है, ये एंटी बैक्टीरियल टूथपेस्ट में यूज किया जा रहा है। अगर ये भी पेट के अंदर चला जाए तो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का ये रोल करता है और उससे जो पीसीओडी की कंडीशन है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और हार्मोन डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद प्लास्टिक और फूड जो कंटेनर होते हैं हमारे, जो भी प्लास्टिक के फूड कंटेनर हैं उनके अंदर भी जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल हैं वो उनके अंदर लगाए जाते हैं जो एज ए एंडोक्राइन डिसरप्टर्स रोल करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को दूर करना होगा जो पीसीओडी की कंडीशन को बनाते हैं। अगर किसी को पीसीओडी की कंडीशन है उसको ये बढ़ा देते हैं। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, चाहे मेडिसिन कोई भी लें, चाहे होम्योपैथी लेते हैं, चाहे हम आयुर्वेदिक लेते हैं, चाहे हम एलोपैथिक लेते हैं, चाहे हार्मोनल पिल्स लेते हैं, वो किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि मेडिसिन की भी एक लिमिट होती है काम करने की। आप मेडिसिन ले रहे हो पर साथ के साथ प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो तो आपकी पीसीओडी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। आप सोयाबीन रेगुलरली ले रहे हो तो आपकी पीसीओडी और हार्मोनल डिस्टर्बेंस कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इन सभी से हम दूर रहकर पीसीओडी को बहुत जल्दी ठीक भी कर सकते हैं और पीसीओडी से बच भी सकते हैं। तो केवल मेडिसिन लेने से ही काम नहीं चलेगा, इन सभी का ध्यान हमें रखना जरूरी है।